अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपका सिकड़ीनो चैनल के ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। लेट्स स्टार्ट माय इंट्रो। आज कल मैंने आपको ये बताया था कि मोबाइल पे हम क्रिकेट जॉय को हम कैसे यूज करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी लैपटॉप पे हम इसका सर्किट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आज लैपटॉप का तरीका बताते हैं, कल हमने मोबाइल का बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा था वो पीछे से जाके वीडियो देख सकता है। तो कि जिसके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो वो लैपटॉप पे कर सकता है, मोबाइल अवेलेबल तो मोबाइल पे कर सकता है, इट्स नॉट इशू। तो लैपटॉप पे आज हमने ओपन कर लिया, तो सबसे पहले हम डिस्कवर ओपन करेंगे। उसके अंदर हमारे पास कुछ इमेजेस वगैरह आ जाती हैं। अगर आपने सर्चिंग पॉइंट पर जाना है तो सर्चिंग बार पर जाके ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। आपको जिस तरह की भी पिक चाहिए तो आप उस तरह सर्च कर सकते हैं, तो हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो डिस्कवर पॉइंट पे जाने से बाद उसको सर्चिंग बार पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। सर्चिंग बार पे क्लिक करने के बाद कुछ ईद कार्ड्स हमने टाइप किया था तो ईद कार्ड्स आ गए हैं कुछ डिज़ाइंस के। तो आपने को जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने उसको रीसेंड करना हो तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेंड भी कर सकते हैं, कुछ भी आप उसको कर सकते हैं बस। लेकिन कुछ भी तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके बीच में उन्होंने जो पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं, बीच में जो एक्सेसरीज दी हुई है, बस आप उन्हीं को ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो अगर आपने कोई बाद में यूज़ करना है तो आप उसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद ये हमारे पास वही डिस्कवर्स हैं जो हमारे पास पहले उन्होंने ऑलरेडी दी हुई थी। और फिर उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट्स पे जाने के बाद, न्यू प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद टेम्पलेट्स पे जाएंगे, कुछ क्लॉथ वगैरह आ जाते हैं, कुछ डिज़ाइन आ जाते हैं, कुछ उन्होंने खुद से जो डिज़ाइन दिए हुए हैं, जो उनके अंदर एक्सेसरीज के अंदर, जो उनकी क्रिकेट जॉय की एप्स के अंदर जो उन्होंने खुद ही दिए हुए हैं, तो ये बहुत सारे हैं। तो टेम्पलेट्स हैं, कुछ शूज़ हैं, कुछ क्लॉथ हैं, कुछ वॉचेज वगैरह हैं। तो आप इनमें से भी अगर कुछ सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैग जाए तो हमने उसको क्लिक किया था, हमें चाहिए था वायलेंस, वायलेंस को हमने क्लिक किया और उसको हम एक्सेसरीज उसको क्लिक कर देंगे ताकि उसका साइज़ जितना भी हम उसको उसके हिसाब से ही रख सकें। उसका साइज़ भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने स्टैंडर्ड किया, कस्टम भी कर सकते हैं आप, तो कस्टम करके देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, तो टाइप्स में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो आपको जो टाइप्स चाहिए आप वो कर सकते हैं। उसके बाद साइज़ आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, वो जिस तरह से आप करना चाहें। आपको जूम आउट भी कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और उसका वॉल्यूम जितना आप रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं। और वॉल्यूम आप अपनी मर्ज़ी से भी उधर टाइप कर सकते हो, आपको जितना भी चाहिए हो, आप जितनी रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं आप उसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको बीच में ही से सिलेक्ट करना पड़े। तो अब हम इसके कुछ लेयर्स बना लेते हैं, लेयर्स पे भी इसको काम कर सकते हैं और वुड वगैरह पे भी आप उसको पेपर्स पे भी कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का अलग अलग कटर होता है, जो कि मैंने आपको अपनी थर्ड वीडियो में फर्स्ट पार्ट में दिखा दिया था। तो अगर किसी ने नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख सकता है, ईजी हो सकती है आपके लिए। तो हम आ जाते हैं शेप्स के अंदर, शेप टेम्पलेट्स हमने देख लिया है। उसके बाद हम शेप्स के अंदर आ जाते हैं, प्रोजेक्ट वो होता है कि आपने जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम करना होता है। और उसके बाद शेप्स आ जाती हैं, शेप्स में बस हमें कुछ दी गई थी और उसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया शेप्स, कुछ टाई टाइप है तो हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हम कुछ भी नेम भी लिख सकते हैं, कुछ टाइप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट कर सकते हैं। 5.32 सेंटीमीटर्स का है ये, आप सेंटीमीटर्स अपनी मर्जी से भी इक्वायर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो दिया हुआ है वही। और इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, इसको टेढ़ा मोढ़ा भी कर सकते हैं, फ्लिप यही होता है कि उसको टेढ़ा मोढ़ा भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और कुछ एडिट्स हैं, उसको आप पेंसिल से कुछ क्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इमेजेस आ जाती हैं, आप इसके अंदर इमेज ले भी सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी आई होंगी, या फिर कुछ पॉइंट्स उन्हें दिए होते हैं उन पॉइंट्स में से आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया था एनिमल्स, तो एनिमल्स के पास हमारे पास तो यही आ जाते हैं, बटरफ्लाई आ जाती है, उसके बाद कैट्स वगैरह आ जाती हैं, कैट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं और कुछ और भी हैं एनिमल्स, तो सबके नाम से नहीं है मुझे आते, इतनी भी मैं लाइक फिश नहीं हूँ। उसके बाद हमारे पास साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं, डॉल्फिन हैं, सी एनिमल्स हैं, फिश हैं, टर्टल्स हैं, सर्च हॉर्स हैं, शार्क्स हैं, तो हम सी हॉर्स, सॉरी शार्क हॉर्स में कह रहा, सॉरी 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 सी हॉर्स हैं। तो हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए हो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम टाइप भी कर सकते हैं, आपने जो भी टाइप करना है आप उसको टाइप करो और उसका प्रिंट आउट इजीली निकाल सकते हो। तो हमने टाइप कर लिया सीक्रेट ई नो, यानी सारे जानते हैं इस माय चैनल सीक्रेट ई नो। अगर कोई नहीं जानता तो पहले सीक्रेट इनो का पहले चैनल का नाम तो पढ़ लो, फिर वीडियो देखना पूरी। तो
ये आ गया हमारे पास सीक्रेट इनो, तो हम इसके ऊपर तो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ये ब्लैक कलर है, और हमारे पास जो हमने इमेज लिया वो भी ब्लैक कलर की है, तो ये तो फिर मर्ज हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ परचेजिंग्स, हम ये कर लेंगे एडिटेड प्रोजेक्ट्स। हमारे पास आते हैं कैटेगरीज एल, ऑल एडिटेबल्स इमेजेस हमारे पास आ गए हैं, तो उसके अंदर से भी हम कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ राइटिंग्स हैं, कुछ टेक्स्ट बार्स हैं, कुछ आयत लिखी हुई है, तो आपको जो चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और उसको सिलेक्ट करने के बाद आप उसको लैंग्वेज सेलेक्ट करें कि आपने उसको किस तरह से आपने उसको लिखना है, टेक्सटाइल जिसे कहा जाता है मॉडर्न टेक्सटाइल, आप उसे कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, आपने जिस तरह से भी उसको टाइप करना है, जिस तरह से भी आप उसके डिज़ाइन चाह रहे हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एलिगेंट है, हैंड राइटिंग है, और मेन पॉइंट्स और भी हैं, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से आपको वीडियो में ज़रूरत है। तो ये हमारे पास आ गया सीक्रेट इनो, और ये हमारे पास जो हमने पहले ही नीचे किया हुआ था वायलिन, जिसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। तो मे ये हमारे पास पीछे ग्राफ है, ग्राफ पेपर टाइप है, तो उसके मुताबिक हमने 3 4 पिक्चर सेलेक्ट की थी, जो कि हमने सारा कुछ किया हुआ है वो सारा कुछ। तो उसके बाद अगर हमने होम पे जाना है, तो हम उसको अगर हमें बैक जाना है तो हम उसको होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद कुछ ये चीज़ें हैं जो कि हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो ये तो मैंने और भी आपने देखा था कि मैंने बनाया था, और ये आयत वगैरह भी आपने देखी थी कि हमने प्रिंट करके लगाई थी। तो ये हमारे पास आयत आ जाती है, तो उसको हम मार्किट कर देते हैं, यानी कि हम इसको बनाना चाह रहे हैं, तो ग्राफ के ऊपर ये आ जाएगा, तो हम उसको अप्लाई कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं ताकि वो दोबारा से आ जाए, और कैंसिल रिप्लेस करते हैं ताकि वो दोबारा से आ जाए, कैंसिल करते हैं कि अगर हम नहीं चाहे तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमने दोबारा से अप्लाई किया, मार्केट कर देते हैं, और उसके बाद रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये हमें चाहिए। थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, जब तक लोडिंग होती है अप्लाई होगा तब तक आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। उसके बाद विदाउट मास्क, ओह विदाउट मैट, मैं भी ना पता नहीं क्या क्या बोलती रहती। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास कुछ ग्राफ, एक ग्राफ पेपर पे हमारे पास आ गया, जितना कि हमारे पास पेपर था उसके मुताबिक ही उन्होंने हमें बताया कि इस पेपर पे आपका जितना पेपर आपने रिक्वायर किया हुआ, जितने सेंटीमीटर्स का आपने पेपर रिक्वायर किया उसके मुताबिक यही आ रहा है। तो एक लाइन हमारे पे एक लाइन पे आ गया, और थोड़ा सा साइड पे आ गया, तो कुछ मिस आउट हो गया, इस तरह नहीं भी हो सकता, कुछ उसके अंदर एरर्स भी आ सकते हैं। तो आपको जितना आपके पास पेज रिक्वायर है आप उसके मुताबिक ही सिलेक्ट करो, अगर आपने लेफ्ट साइड पे करना है तो लेफ्ट साइड पे कर लो, राइट साइड पे करना है तो राइट साइड पे कर लो, अगर आपने सारा कुछ एक ही लाइन पे लाना चाहते हैं तो आप एक एक ही लाइन पे ले आओ। तो उसको हमने अप्लाई कर दिया था, अप्लाई करने के बाद उसको ब्लूटूथ हम कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा जो है वो क्रिकेट जो है वो ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो जाए और वो प्रिंट करना स्टार्ट हो जाए। तो जो जो देखना चाहता है प्रिंट होने के लिए, तो वो जल्दी से जाके सबसे पहले सब्सक्राइब तो कर दे, अभी आधी ज़्यादा वीडियो देख रहे थे और सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, ये तो भी गलत बात हुई ना। तो ये हमारे पास आ जाता है क्रिकेट ड्रायर का बेसिक मटेरियल सेट टू स्मार्ट आयरन ऑन, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। लोड टूल्स एंड मटीरियल्स, हमने पेपर क्राफ्टर पर रख दिया है, वो हमें बता रहा है कि ये आपके स्पेसिफिकेशंस हैं, जो जो हमने स्पेसिफिकेशन दे दिए हैं। तो मेक श्योर मिरर इज टर्न ऑन एंड आयरन ऑन मटीरियल्स इन फेस शाइनी साइड डाउन, तो उसने हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए, उसके मुताबिक भी हमें सारा काम करना होता है। उसके पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें, उसके मुताबिक अगर कोई एरर आया तो उसको आप सही कर लें, अगर नहीं आ रहा तो वेल एंड गुड, अगर आ भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको सही कर सकते हैं, एरर तो आते ही रहते हैं, मेरा भी आ जाता था। तो आपने उसको जिस तरह से भी पेपर रखना है आप उसको अच्छी तरह से सेट करें, और जो भी आपने जिस कटर से भी आपने करना है, अगर आपने पेपर पे करना है तो पेपर कटर सेलेक्ट कर लें, अगर वुड पे करना है तो वुड कटर सेलेक्ट कर लें, अगर आपने डिफरेंट पेजेस सेलेक्ट करना है तो डिफरेंट पेजेस वाले कटर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कटर्स होते हैं। तो क्या, तो कुछ भी नहीं, अब आ जाती है हमारे पास सीक्रेट सीक्रेट मैं सीक्रेट जॉय बार बार बोल जाती हूँ, क्रिकेट जॉय, क्रिकेट जॉय। अब हमने साइड पर हमारी छोटी सी, अगर आपको वीडियो नज़र आ रही होगी तो उस पर देख सकते हैं कि हमने जब अप्लाई किया था तो ये अब उसके ऊपर हमने पेपर अप्लाई कर दिया था, और हमने वीडियो भी देखी थी कि यही ऐसे ही वो कट होगा, क्योंकि हमारा पेपर हमने ऐसे में रखा हुआ, लंबेदार रखा हुआ है, तो वो ऐसे ही प्रिंट होगा। तो हमें ये ज़रूरी नहीं कि सारा एक ही लाइन पे चाहिए होता है, आपने उसको कट कर उतार के ही आपने उसको लगाना होता है, वो आप उसको वैसे भी लगा सकते हो, इट्स नॉट कोई ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसे, इट्स योर चॉइस, आपकी अपनी मर्जी है। तो कटर के मुताबिक वो जो जो जैसे जैसे वो लिखा हुआ है कटर के मुताबिक वो वैसे वैसे ही लिखता जा रहा है, कट होता जा रहा है, वहाँ से जैसे ही ये कट हो जाएगा
कट होने के बाद इसको हम लोग अपने कटर, किसी भी कटर की मदद से, किसी भी इसका टूल्स एक साथ होता है उसकी मदद से हम इसको साइड से उतार लेते हैं। साइड से उतार के तो फिर हम उसको जिस जगह पे भी हमें उसको पेस्ट करना होता है तो उधर हम पेस्ट करते जाते हैं। तो लेकिन इसका अरबी लिखते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जेर जबर ठीक है कि नहीं ठीक। अगर जहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया तो वो आपको ठीक भी करना होगा, क्योंकि इससे गुना भी मिलता है ना, तो हमें तो गुना नहीं लेना ना। तो ये कट हो रहा है, जब तक ये कट हो जाए तो मैं आपसे दोबारा से कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दें। मैं इसके बाद नहीं कहूँगी सब्सक्राइब करने के लिए, अभी सब्सक्राइब करने के लिए कह रही हूँ तो कर दें, इसके बाद मैं लास्ट पे ही कहूँगी। तो ये कट हो रहा है, देखिए कितनी अच्छी तरह से कट हो रहा है कि आपके पास डिफरेंट पेजेस होते हैं, गोल्डन, वाइट, रेड, पर्पल, जिस तरह का मर्जी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। शाइनिंग में भी होते हैं और वैसे भी होता है, तो आप जिस तरह का मर्जी लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैंने मुकम्मल वीडियो अपनी क्रिकेट जॉय की आपको शेयर कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इट्स अ पार्ट 3, ये हमारे पास पार्ट 3 है, जो कि हमने पहले 2 वीडियोस देखी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाकर देख सकता है, और अगर किसी ने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो वो लाइक भी कर दे मेरी वीडियो को, क्योंकि तो बहुत अच्छा प्रिंट हो रहा है। तो देखो कितनी सफाई से वो प्रिंट कर रहा है ना, एक एक चीज़ वो प्रिंट करता है और वो कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं करता, जो उसे दी जाए वो वही बनाता है। तो ये हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है प्रिंटिंग, कटिंग उसकी हो चुकी है। तो कटिंग होने के बाद उसको हम अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद वो मुकम्मल हो चुकी है, तो वो हमारे पास बैग पे आ जाएगा। तो वो कहेगा कि आपकी वीडियो जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं, बैक कर देते हैं, ताकि हम काम जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है। तो फिनिश होने के बाद अब हम देखते हैं कि वो कैसा प्रिंट हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिसकी वजह से हम उसको कट, जो हमने कट किया हुआ है, जो उसने मशीन ने जो खुद कट किया है, तो उसके ऊपर से हम उसको उतार लेंगे, शीट को हम उसके ऊपर उतार लेंगे, और जो लिखा हुआ है वो नीचे का नीचे ही रह जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि एक एक चीज़ जो है वो नीचे आए। तो किसी भी आप बारीक किसी भी चीज़ की, अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप कोई भी बारीक नुकीली चीज़ से आप कर सकते हैं, इट्स नॉट इश्यू कि आपने यही लेना है, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो शीट को एक एक टूल से आप उसको पकड़ लें, क्योंकि ये बहुत चिपकू होता है, चिपकू बड़ा है टिशू, ये शीट जो है चिपकू है बड़ी, तो आप उसको कर सकते हैं। और ऐसे ही वो आपके निकले पीछे से निकल आएंगे, प्रिंट आउट निकल आएंगे, और इसको आप एक एक अल्फाबेट्स को पकड़ के, एक एक वर्ड्स को पकड़ के आपको ऊपर पेस्ट करना होता है। ये बहुत डिफिकल्ट है, कोई मामा जी का घर नहीं है कि आप समझे कि यार इतना सहा ना, ये तो 2 मिनट का काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मामा जी का घर बिल्कुल भी नहीं है, खाला जी का भी नहीं है, ना पप्पो का घर है, ये मेहनत तो वाला काम है। तो इसको एक एक वर्ड को आपको लगाना पड़ता है ऊपर, एक एक वर्ड को ऊपर लगाने के बाद ही फिर आपका काम बनता है और आपकी वीडियो लाइक होती है। तो भाई आपने इतनी मुश्किल, हमने इतनी मेहनत किया, तो आप तो लाइक बनता है, आप तो देख लो कितनी मेहनत हो रही है। तो बीच में भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके अंदर आपने उसको उतार सकते हैं तो उतार लेंगे, उतारना तो ना था, इट्स योर चॉइस। तो अगर हमने आप इसको किसी भी रेजिन की जो चीज़ हमने बनाई है उसके ऊपर लगाना था, हम उसके ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर एक शीट लगा लो ताकि ये ख़राब ना हो। तो इसको शीट ऊपर लगा लो, इसको शीट उसके ऊपर लगा लेंगे, ताकि वो सारे अल्फाबेट जितना भी जैसे जैसे लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ उस शीट के ऊपर आ जाए। और इस चीज़ के ऊपर हमने लगाना है, उस शीट चीज़ के ऊपर हम शीट प्रिंट करके, प्रिंट तो नहीं है, शीट लगा कर उसके ऊपर और उसके साथ अल्फ़ाबेट हम उतार सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा करना, नहीं तो एक एक अल्फ़ाबेट पकड़ के ऊपर उसको लगा लो। अगर आप ज़्यादा रफ्फर डालना चाहते हो तो एक एक अल्फ़ाबेट कर लो, अगर आप इजी करना चाहते हो तो शीट जैसे मैंने किया वैसे कर लो। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, उससे पहले कर दें लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। टाटा, अल्लाह हाफिज़।